स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा की एक और गाड़ी, वो भी सीएनजी में, टाटा टियागो 2019 मॉडल। इससे पहले जो भाई मैंने टिगोर चलाई थी वो थी 2018 मॉडल, और भाई दोनों ही XZ वेरिएंट हैं। इसमें भी आफ्टर मार्केट सीएनजी है, उसमें भी आफ्टर मार्केट सीएनजी थी। अब भाई मैंने टाटा की दो गाड़ियां चला के देख ली, एक पंच चलाई है जो कंपनी फिटेड है मेरे पास है, एक भाई टिगोर जो इससे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो भाई मैंने चला के देख ली, और आज देखेंगे इसको चला के इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। बाकी फीचर्स वगैरह लगभग सेम ही है। अब भाई टियागो में आपको जो लाइट मिलेंगी वो मिलेंगी रिफ्लेक्टर बेस, प्रोजेक्टर नहीं मिलता, नीचे फॉग लैंप सेम वही हैलोजन है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पे आपको भाई 14 इंच के इसमें टायर मिलेंगे। यहां पे टायर का प्रोफाइल है 165/70R 14 ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर है, डोर हैंडल वगैरह भाई ये सब बॉडी कलर मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल दिखाऊं तो भाई यहां पे वाइपर डिफोगर वॉशर है, कैमरा नहीं है इसमें। यहां पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे बंपर के ऊपर, टेल लाइट पूरा ये हैलोजन होता है इसका। एक बार बूट स्पेस दिखा दूं आपको, पहले ये भाई की के साथ ओपन होगा, यहाँ पे भी दिया गया है ओपन करने के लिए यहाँ से करके। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कैसा स्पेस है। ये देखो पार्सल ट्रे इसमें दी गई है, यहाँ पे ये है इसमें सिलेंडर वही 14 किलो का, और ये भाई थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, ये स्पेयर व्हील इसका यहाँ रखा है। सेम ऐसी ही फिटिंग होती है जो छोटी गाड़ी होती है, ऊपर यहाँ पे छोटे मोटे बैग आ जाएंगे, बाकी और भाई स्पेस नहीं होता। अब भाई टाटा दो सिलेंडर देने लगी जो नई टियागो और टिगोर है, लेकिन भाई पुरानी जो है कंपनी फिटेड भी है उनमें भी इतना ही स्पेस होता है। ये तो आफ्टर मार्केट है तो इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मैनेज किया है। अब चलते हैं भाई अंदर और इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर भाई सेम वैसा ही है टिगोर के जैसा, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल मिल जाएंगे, स्टेयरिंग का डिजाइन भी सेम है, जिसका डोर पैनल है ये भी बिल्कुल सेम है। 4 पावर विंडो के कंट्रोल, 0.5 लीटर के बोतल के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन इसका ये पैनल मिल जाएगा, और ये क्रोम के साथ मिलेगा डोर ओपनर, ये ग्लोसी ब्लैक, ORVM के लिए कंट्रोल, सीट इसमें भी हाइट एडजस्टेबल है। डैशबोर्ड दिखा दूँ आपको तो ये देखो भाई डैशबोर्ड का लुक, यहाँ पे भी क्रोम मिलेगा, उधर भी क्रोम मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक है जो साइड वाले एसी के वेंट है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से भाई एंड्रॉइड नहीं मिलता, डबल डिन म्यूजिक सिस्टम मिलता है लेकिन वो टच नहीं होता, वो सिंपल वाला होता है जिसमें आपको USB FM वगैरह मिल जाता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है उसमें। इसमें भाई ये ओनर ने पूरा ये एंड्रॉइड सिस्टम लगवाया है और काफी अच्छी क्वालिटी का है, टच का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें लैग वगैरह नहीं है। यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच, और भाई नीचे यहाँ पे कुछ और ये कंट्रोल है, ये है डिफोगर के लिए, ये फॉग लैंप के लिए, ये इसके जो मोड्स हैं इको और सिटी उसके लिए यहाँ पे ये इसमें कंट्रोल दिया गया है। अब भाई टिगोर में ऑटोमेटिक एसी था, इसमें मैनुअल एसी है, बाकी यहाँ पे सेम स्पेस है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB ऑक्स के लिए पोर्ट है, सेम वही गियर लीवर है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, थोड़ा स्पेस ये थोड़ा यहाँ पे, और भाई थोड़ा यहाँ पे ये मैनुअल हैंड ब्रेक, और अंदर भाई इसमें यहाँ पे ये डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है इसका। तो ये था भाई इसका इंटीरियर। बाकी जो पीछे वाली सीट है वो भाई काफी कंफर्टेबल होती है टिगोर में और टियागो में, जो बाकी इस सेगमेंट की गाड़ी है टियागो के सेगमेंट की उनमें थोड़ा सा कंफर्ट भाई अब मेरे को कम लगता है, बाकी और किसी को पता नहीं, पीछे वाली सीट पे इसमें थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा होता है। जिसके पास टियागो है जो यूज करता होगा भाई उनको पता होगा, जो मारुति या फिर दूसरा कोई ब्रांड की इस सेगमेंट की गाड़ी है उनमें इतना नहीं है। अब भाई गाड़ी स्टार्ट है, जितना मैंने वीडियो बनाया है गाड़ी स्टार्ट में ही बनाया है, अब एक बार इसको बंद करके और दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको एक बार इंजन की आवाज सुनाऊंगा कि अंदर कितनी आवाज आ रही है 2019 मॉडल में। स्टार्ट करके सुना के दिखाता हूं अब आपको, ये देखो इस टाइप के भाई इसमें ये हल्की सी आवाज आती है, वो नई में भी आपको मिल जाएगी। गियर लीवर हिलता है भाई इसका जैसे फॉर्च्यूनर में आपने देखा होगा, ये देखो हल्का सा यहाँ पे वाइब्रेशन आती है, ये पहले आती थी अब थोड़ा सा कम है, जो BS6 फेस 2 है उसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन BS4 जो गाड़ियाँ थी उनमें भाई ये आती थी गियर लीवर में वाइब्रेशन। अब भाई इसको चलाते हैं हाईवे के ऊपर, यहीं पे चलाऊंगा जहाँ पे टिगोर चलाई थी उसी रोड पे हूँ मैं, क्लच छोड़ते हैं हम देखेंगे इसमें एक्सीलरेट करना पड़ेगा या वैसे ही चल पड़ेगी ये। नहीं भाई ये तो जैसे कंपनी फिटेड गाड़ी होती है ना वैसे चल रही है, इसमें 1% भी वाइब्रेशन नहीं आई। दोबारा से चलाता हूँ, देखो क्लच छोड़ दूंगा मैं नीचे और ये एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया मैंने, ऊपर देखना RPM मीटर में आप, नीचे पैर भी दिखाई दे रहा है मेरा, ये देखो हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं है, ना इंजन में कोई वाइब्रेशन है, ना गाड़ी को कुछ भी इसमें स्ट्रगल करना पड़ा, और भाई बिना रेस दिए गाड़ी चल पड़ी। अब देखते हैं आगे कैसा चलेगी, अब ये सेकेंड गियर में डालते हैं। बढ़िया भाई, जो मैंने मतलब मारुति या फिर हुंडई की गाड़ी चलाई है उनसे बढ़िया भाई परफॉर्म कर रही है जो आफ्टर मार्केट CNG लगी है टाटा की गाड़ियों में। दो गाड़ी मैंने चला ली, इससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ भाई पूरा पूरा। और जो टिगोर मैंने चलाई थी वो भी भाई जबरदस्त चल रही थी, उसमें भी 1% भी भाई मेरे को कहीं कोई कमी नहीं लगी। एक बार इसको मैं पेट्रोल पे करके देखता हूँ, यहाँ पे ये बटन सेम दिया गया है इसमें भी, और गाड़ी हो गई भाई पेट्रोल में। दोबारा से इसको CNG पे लगाता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है भाई,
जैसी पेट्रोल पे चल रही है वैसी ही सीएनजी पे चल रही है। 1% भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये सीएनजी से पेट्रोल पे जाएगी या फिर पेट्रोल से सीएनजी पे जाएगी। अब इसका इको मोड है जो भाई, वो भी ट्राई करके देखते हैं। अब जैसे ये सिटी मोड पे चल रही है, ये इको मोड पे आ गई भाई, इसमें भी काम कर रहे हैं। अब इसमें वो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी तो नहीं दिखाएगा क्योंकि भाई टियागो में वो नहीं मिलता, टिगोर में मिलता है वो वाला फीचर। और यहाँ पे अब दोबारा से करता हूँ मैं सिटी मोड पे, कर रहा है भाई काम। जैसे सिटी मोड पे गई तो गाड़ी में हल्की सी जान इसमें फील हुई, जैसे इको मोड पे थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा इसमें भाई जान कम फील हो रही थी। अब भाई टियागो को चला के ना मैं 100% सेटिस्फाई हूँ कि टाटा की जो ये BS4 या BS6 जो गाड़ियां हैं भाई, उनमें आप आफ्टर मार्केट CNG लगवा सकते हैं और कामयाब हैं। अब भाई ने ये जो बता रहे थे वो मेरे को, उन्होंने लगभग 50,000 किलोमीटर भाई ये CNG पे ही चलाई है और इसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। अभी जैसे मैं चला के भी देख रहा हूँ, मेरे को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया चल रही है। तो भाई मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि जिसके पास पुरानी टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सोन जो भी है पेट्रोल में और वो सीएनजी लगवाना चाह रहा है आफ्टर मार्केट, तो भाई वो लगवा सकता है। लेकिन भाई उसमें आपको देखना पड़ेगा कोई बढ़िया मैकेनिक जो सेटिंग बढ़िया कर दे इसकी, जो बढ़िया तरीके से सीएनजी किट आपकी इसमें फिट करे और बढ़िया किसी कंपनी की करे, कोई ऐसी चालू कंपनी की ना करे कि वो आपको बाद में परेशान रखे, भाई रोज आप मैकेनिक के पास खड़े रहो, तो भाई ऐसा ना करना। वैसे भाई अब मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आप भाई सीएनजी यूज कर सकते हैं। पहले मेरे को भी डर लगता था कि टाटा की गाड़ियों में सीएनजी भाई कामयाब होगी या नहीं होगी, कई मैकेनिक से भी मैंने पूछा वो भी बोलते थे भाई इनमें कामयाब नहीं है, नहीं लगती सीएनजी। अब भाई टाटा की गाड़ियों में मेरे को एक ही दिक्कत लग रही है, वो पेट्रोल हो या सीएनजी हो, भाई केबिन के अंदर नॉइस बहुत ज्यादा आती है, जो इंजन का साउंड है वो पूरा केबिन के अंदर ही सुनाई देता है। वो थोड़ा सा और कर देना कंपनी, जैसे ह्यूंडई और मारुति का साइलेंट इंजन है बिल्कुल, वैसा इंजन अगर टाटा कर देना तो भाई गजब चीज बन जाएगी। एक तो सेफ्टी, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसमें, और दूसरा भाई माइलेज इसमें अच्छी मिलती है टाटा की गाड़ियों में। जैसे अपनी पंच में मैंने यूज करके देखा और इसको भी जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो भाई एक सिलेंडर में आराम से 250 किलोमीटर ये प्यार से निकाल देती है, जिसमें लोकल हाईवे सारा कुछ मतलब मिक्स है। इस टाइप के एरिया में लोकल चल रहा हूँ मैं जैसे चौथे तीसरे गियर में, तो भाई माइलेज भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, और भाई टाटा की गाड़ी होती भी सस्ती है जो अदर ब्रांड है उनसे। तो भाई ये था आज का वीडियो टाटा टियागो सीएनजी के बारे में। आफ्टर मार्केट सीएनजी है और भाई चलने में जबरदस्त है, बढ़िया सेटिंग हो रखी है सीएनजी किट की भी, और गाड़ी भी जबरदस्त चल रही है आज तक। 80,000 किलोमीटर चली है, 19 मॉडल है, और अब 23 तक भी भाई गाड़ी में कोई भी कमी मेरे को कहीं पे नहीं लगी, सब कुछ भाई सही है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो ये था भाई आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।